नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर से आरएमएस लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने ब्लॉग में कॉपी पेस्ट फंक्शन को डिसेबल कैसे करते हैं। दोस्तों, कॉपी पेस्ट फंक्शन को डिसेबल करके आप अपने ब्लॉग कंटेंट्स को सेव कर सकते हैं और किसी और के थ्रू उसे कॉपी होने से बचा सकते हैं। तो अगर आपको लगता है दोस्तों कि आपके ब्लॉग के कंटेंट कोई चोरी कर रहा है तो आप इस सेटिंग को कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी आपकी ब्लॉग पोस्ट को कॉपी नहीं कर पाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं कि ब्लॉग पर कॉपी पेस्ट डिसेबल करके अपनी पोस्ट कंटेंट्स को चोरी होने से कैसे बचा सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के इस रेड बटन पर क्लिक कर दीजिए और दोस्तों हमारे चैनल की न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए ये बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये मैंने ब्लॉगर ब्लॉग पर एक ब्लॉग क्रिएट किया है और यहां पर इस पेज को आप देख पा रहे होंगे। तो इस पोस्ट में जो कंटेंट है दोस्तों, इसको मैं कॉपी करने की कोशिश करता हूं, तो इसके लिए मैं इसे सेलेक्ट करूंगा। तो दोस्तों आप देखते हैं सेलेक्ट भी हो रहा है और इस तरह से मैं अगर इसे कॉपी करता हूँ और किसी नोटपैड पर पेस्ट कर देता हूँ दोस्तों, तो आप देखते हैं ये कॉपी होकर यहाँ पर पेस्ट भी हो चुका है। तो इसी तरह से दोस्तों कोई भी आपके ब्लॉग के कंटेंट्स को कॉपी करके उसे अपने ब्लॉग पर पब्लिश कर सकता है। इसलिए आपको तुरंत अपने ब्लॉग पर कॉपी पेस्ट फंक्शन को तुरंत डिसेबल कर देना चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने ब्लॉगर ब्लॉग में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आप अपने डैशबोर्ड के लेफ्ट साइड मेन्यू से लेआउट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब लेआउट में दोस्तों आपको एड ए गैजेट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों एक पॉपअप विंडो ओपन होगी, तो यहाँ से आपको HTML JavaScript के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको एक कोड पेस्ट करना है। तो इसके लिए आपको एक साइट ओपन करनी है अपने इंटरनेट ब्राउजर में। तो चलिए मैं क्रोम ब्राउजर में ये साइट ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, इस साइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे ओपन कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आप एक जावास्क्रिप्ट कोड देख रहे हैं, आपको इसे सेलेक्ट करना है और कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों अब आपको वापस अपने ब्लॉग में आना है और यहाँ पर कंटेंट के इस बॉक्स में इस कोड को पेस्ट कर देना है। कोड पेस्ट करने के बाद दोस्तों सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद फाइनली यहाँ पर सेव अरेंजमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। लीजिए दोस्तों, आपका काम फिनिश हो गया है। यहाँ पर आपको बस इतनी ही सेटिंग करनी है। इसके बाद अब आपके ब्लॉग पर कॉपी पेस्ट डिसेबल हो जाएगा और कोई भी आपके ब्लॉग कंटेंट्स को चोरी नहीं कर पाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं। इसके लिए मैं आपको ब्लॉग में ले चलता हूँ और दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पर इस पोस्ट के कंटेंट्स को कॉपी करूँगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मैंने इसे क्लिक होल्ड करते हुए ड्रैग किया है, लेकिन ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है। और दोस्तों, अगर आपको फिर से अपने ब्लॉग पर कॉपी पेस्ट इनेबल करना है तो आपको सिंपली लेआउट में जाना है और जिस एड ए गैजेट के ऑप्शन पर आपने क्लिक किया था तो उस पर आपको एडिट का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे रिमूव इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों एक पॉपअप ओपन होगा, तो यहाँ पर आपको ओके के इस बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों ये डिलीट होना शुरू हो जाएगा और आप देख सकते हैं ये डिलीट हो चुका है और अब आपके ब्लॉग पर फिर से कॉपी पेस्ट इनेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, इस सिंपल और इजी तरीके से आप अपने ब्लॉग पर कॉपी पेस्ट फंक्शन को डिसेबल कर सकते हैं और अपने कंटेंट्स को किसी और के थ्रू कॉपी होने से बचा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और दोस्तों इसी के साथ अगर आपने अभी तक आरएमएस लाइव लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।